तेरा बाप का नौकर है, आके निकल ले। लो बे, कोई भी अपनी भाभी को मत बताना मेरी चार गर्लफ्रेंड है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुसीबत जो मेरे साथ हमेशा रहता है। पागल, कभी गलती से मेरा भी तारीफ कर दिया कर। बाकी ऐसे आप मेरे से पूछेंगे तो चूतिया के अलावा कुछ नहीं आता है। आपको जरूरत भी है। तो गाइज, हम यहाँ के एक फेमस अमित भैया से आपको आज मिलाएंगे, और कैसे वो आपका मूड ठीक करते हैं और उनका एक अनोखा तरीका आज हम आपको दिखाएंगे। तो बिना देरी के चलो डायरेक्ट अमित भैया के पास चलते हैं। और ये रहे वो जनाब अमित भाई, बहुत नाम सुना है आपका। अरे भैया, नाम तो देखिए आप लोग की वजह से है ना। तो अमित भैया, क्या क्या बनता है इधर? भैया चूतिया बनाते हैं हमेशा की तरह। आइटम भी 8 फीट का बगल में रखा हुआ है, आप देख सकते हो, वहाँ पर बैनर है 8 फीट का। अच्छा। बाकी ऐसे आप मेरे से पूछेंगे तो चूतिया के अलावा कुछ नहीं आता है। अबे गरीब का लड़का, इधर आना। ये चीज मैगी खाएगा या गरीब टाइप का मसाला मैगी? यहाँ देखिए हम पोस्टर में लगा के रखे हैं, आओ खाओ, कट के जाओ, कटने ही कोई नहीं चाह रहा। चीज मैगी खाओ बे पागल, थोड़ा कॉस्टली है, ज्यादा नहीं। हर टाइम क्या है, खाली गर्लफ्रेंड से कटेगा, भाई से नहीं। आप सच में जा रहे हैं? थोड़ा सा और कटिए ना भैया, बहुत अच्छा लगेगा। आइसक्रीम खाइए ना। तेरा बाप का नौकर है, आके निकल ले। साला पप्पा का स्टाफ समझा हुआ है ना बे। जो लेना ले, पैसा दे के लेना। फास्टिंग तो पहले गुडे काम कर ना, गुडे कोल्ड कॉफी दे देवी की। तू भी पी दे 10 टका मात्र। तू कौन देखिलु? एटा तो तुम भणी ना। आ गुडे देवी, आ दीटा नहीं जाना पहले। इनके पास दो ही परेशानी है, या तो एग्जाम या तो गर्लफ्रेंड। और ये लोग क्या है ना कि अभी जो उम्र है इनका, ये कोई भी काम करने से पहले सोचते नहीं है, ये लोग जोश में करते हैं। और ये अपने मम्मी पापा से सारा बात कोई भी शेयर नहीं करता कोई भी। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि हाँ ठीक है, और स्पेशली इस कैंपस के अंदर में आप दुख लेके आइए या सुख, नहीं पता, सिगरेट नहीं ला सकते आप। सिगरेट बुढ़िया ये अलाउड नहीं है, ये परमिशन नहीं है। आप इत्मीनान से आइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, टाइम एक्सपेंड जितना करना है सुबह शाम तक बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लो बे, अच्छा ये ब्रेड ऑमलेट में मिर्ची रहेगा, बहुत मीठा है, बहुत। कहाँ से लेगा, ऊपर से नीचे से? अबे कोई भी अपनी भाभी को मत बताना मेरी चार गर्लफ्रेंड है। अरे तुम आ गए? छन से जो टूटे कोई सपना। क्या सिद्धार्थ भाई, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुसीबत जो मेरे साथ हमेशा रहता है। कितना भी कोशिश कर लो पीछा ही नहीं छोड़ता ये। बाकी चार के बारे में अभी नहीं, बाद में। बेचारी बहुत अच्छी है। अबे शशांक, स्वीट कॉर्न में बटर डालेंगे? हाँ समझ गया, हजम नहीं होगा। हमको शुरू से पता था कुत्ता को हजम नहीं होने वाला है। अमित भैया के इसी अंदाज की वजह से वो खास करके स्कूल और कॉलेज आने वाले बच्चों के बीच बहुत फेमस है। भैया देखिए, आज का ऐसा एक समय है जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी स्टूडेंट्स आप किसी भी छोटा हो या बड़ा हो, या तो उनके पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों से बात कर सकें, या तो फिर ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर सकते हैं। तो इवन मैं भी एक फादर हूँ, और मेरे को भी मतलब एक ऐसा एहसास होता है कभी कभी कि यार ये जो घुटन है बच्चों के अंदर, ये कैसे निकलेगा। तो इनके साथ एक फ्रेंडली नेचर स्टार्टिंग से बनाए रखा, शुरू से ही। और ऐसा नहीं है कि हाँ मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं इनके पापा का लायक है, चाचा की उम्र का हूँ, ये सब सोच नहीं था मेरे अंदर स्टार्टिंग से। मैं हमेशा ये सोचा कि चलो इनके साथ एक दोस्ती करते हैं। और यही एक है, अब इसी एक सबसे बड़ा वजह ये बन गया है अभी कि अपना सारा सारा जो भी छोटा परेशानी हो, बड़ा परेशानी हो, या का अच्छा शेयर कर लेते हैं। ऑनेस्टली जो डिसीजन सही रहता है ना, वो डिसीजन अपने इसको देते हैं कि बेटा ये ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा, तो आपसे सब सलाह लेने के लिए भी आते हैं? हाँ, आप बहुत से लोग ऐसा है। अब आप देख लीजिए, आप बाहर किसी से पूछिए, अब या तो किसी गर्लफ्रेंड के साथ किसी का ब्रेकअप हो गया, तब भी आना है अमित भैया। अच्छा। ये है समस्या, किसी का रिजल्ट कम आ गया है, अगर वो अपसेट है तो ऐसा, अब तो ऐसा हो गया है ना कि अब तो शकल भी देखकर पता चल जाता है कि भाई ये बंदा खाने आया या बात करने आया है। तो बिजनेस और रिलेशंस के बीच में, रिलेशन फर्स्ट। पैसा आप कभी भी कहीं भी कमा सकते हो, आप अपना स्टार्टअप कैसे जैसा चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। बाकी आप अपने मूड से, जैसे ये अब मेनू में नहीं है ब्रेड ऑमलेट, ठीक है, अब आपको मन कर गया भैया अंडा का कुछ खाना है, तो भैया जो बन सकता है डेफिनेट आप अपने मूड से बनाए, बन जाएगा। अरे वाह, क्या वीडियो।
आइए अपना अपना पकड़िए। भैया टीसी का ही पैसा लगेगा, ब्रेड ऑमलेट फ्री है। बातों के साथ साथ अमित भाई के बनाए हुए आइटम्स भी सबको बहुत पसंद आते हैं। हम लोग यहाँ पे चिन्मय विद्यालय में पढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग का जब भी मन करता है अमित भैया के पास हम लोग हाजिर हो जाते हैं। क्यों अमित भैया के पास, क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? पूछ लीजिए कब नहीं आते। ओह गॉड, वो तो फ्रेंडली हम लोग का भैया जैसे। राइट, तो और टेस्ट नो कंपैरिजन। राइट, मनोज भाई कैसे हैं? जिंदा है नया भूत, तुम भी खड़ा होगा वहाँ। भैया मैगी किसका है, ले लीजिएगा अपना। ये हम लोग के मनोज बाबू हैं। यही बनते बनते रह गए। मामा जिंदा है अभी तक? नहीं बे, ऐसा कोई स्टॉक नहीं आता है। ठंडा स्टॉक मतलब डीएसपी बोनी बोलू? मुँह देख मुँह काली चोरों बोनी भी। एक तो कुछ दे, क्या दे? एक तो कुछ आइसक्रीम खा ले। चले चले, तरक्की देख के जल रहा दुर्गा। ये अपना छोटा छोटा रील बना बना के डालता है। इसको एहसास भी नहीं है कि हम कितने बड़े लोग के साथ ही आता है मिलता है, इसको समझना चाहिए लोगों। हाँ बन रहा है, बन रहा है, गुस्सा से ना देखें, बन रहा है। अभी आप उनको ला के दे रहे हो फिर से। यही चीज ना, यही चीज गलत है। तुम लोग ना अपनापन नाम का कोई चीज नहीं है। वो लोग तो दिन भर लेते रहते इज्जत, तुम लोग तो दो महीना में एक बार आता है। टाइम ही कहा है, तुम लोग इतना बिजी आदमी है। लेना बे। पैतालीस आशीष का भी जोड़ना है क्या तेरा में? ये देखिए राउरकेला का ये कुल्लड़ पिज्जा है। बस जैसे आप कुल्लड़, जो हम लोग जो पिज्जा खाते हैं वो बेस होता है राउंड, है ना? बस उसका सारा मटेरियल आप उसको एक कुल्लड़ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। okay. तो वो क्या है, थोड़ा खाने में इजी हो जाता है और एक नया लुक है। अपने पास जो सैंडविच भी खाते हैं आप, वो आटा ब्रेड से ही है। कुल्लड़ में जो पिज्जा बन रहा है, कुल्लड़ पिज्जा जो बन रहा है, वो भी आटा ब्रेड से है। RCH में अगर आते हो, अमित भाई के हाथों बनाए हुए ये कुल्लड़ पिज्जा जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। क्या चीज मैगी है? हम अच्छा पागल, कभी गलती से मेरा भी तारीफ कर दिया कर। उसके लिए आंटी है ना। एक बात बता यार, मेरे को भैया और बाजू में आंटी है, चक्कर क्या है? बोले भैया, बोले भैया। अच्छा ये पूरा चीजी होने वाला है, पूरा चीजी। आपका कुल्लड़ पिज्जा, हाँ कुल्लड़ पिज्जा आपके लिए पूरा फ्री है। खाली आप टिश्यू का पैसा देके जाएं। टिश्यू पैसा 100 रुपए और क्या देना है, ज्यादा नहीं बोलते हैं अपने। भैया इसको खा के देखिए और बताइए कैसा बना है। आप भी ट्राई करें। काफी ठंडा है, लेकिन काफी ठंडा है, गर्म है लेकिन नहीं नहीं ये काफी ठंडा है। एक्चुअली डीप फ्रिज में रख के बनाते हैं अपने। आपको कैसा लगा, आप बता नहीं रहे कुछ? काफी अच्छा लगा, हमें चीज बहुत पसंद है। हाँ पहले से भी काफी पतली है, आपको आपको जरूरत भी है। अमित भाई कुल्लड़ पिज्जा खा के बहुत मजा आया हमें। बस ऐसे ही आए, बराबर कटते रहे छेड़ में आपके पास। आपका ये हमेशा हमेशा जब आपको इच्छा करे अकेले आना, अकेले। ओके। लेकिन ज्यादा अच्छा रहे गर्लफ्रेंड के साथ आए। क्यों? क्योंकि अकेले आने से क्या है, बिल कम होता है। अरे रे, सही बात है। और अक्सर क्या ना, जब लोग गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं ना, तो फिर तो कटने का मजा ही कुछ और होता है। कटने के लिए लोग कहाँ पे आए, ये आपका एड्रेस बता दें। ये एड्रेस ऐसा है कि अपना चिन्मय स्कूल चौक के ऊपर में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है, उसके बगल में ही RCH आपको मिलेगा। आपको आपको आपका अपना RCH मिलेगा। तो गाइज सीरियसली बहुत मजा आ गया, एक अनोखी चीज देखने को मिला आज हमारे शहर राउरकेला में ही। अगर आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, मजाक मस्ती आप सह सकते हो, दिलदार हो, तो ही इधर आना, वरना कट जाओगे। और कमजोर दिल वाले तो मत आना, बिल्कुल भी मत आना, कमजोर दिल वाले मत आना। आज मेरा तो बहुत कटा हुआ है, और तूने एक बात नोटिस की है भाई, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हम लोग के फेस में स्माइल ही था, स्माइल नहीं हंसी था।
सो गाइज होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक इंतजार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज, लाइक कमेंट घंटी सब कुछ बजा देना यार, समझ जाओ प्लीज। सो टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।